के चरणों को नमन करते हुए ये पवित्र शारदीय नवरात्रे जिसमें भगवान शिव की पवित्र 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। जब तक शिव की कृपा नहीं होती तब तक जिंदगी में हम एक कदम भी सतमार्ग की ओर बढ़ नहीं पाते। यदि कल्पना कथा में श्रवण करा था, कल्पना कथा में सुना था कि बच्चा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, संत हो, साधु हो, गुरुजन, तपस्वी जन, मुनि जन, संत जन, जो भी है, इन सभी को यदि व्रत करने का बल, आवाज नहीं जा रही, आवाज कहीं पर है, व्रत करने का बल इन साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक या घर में रहने वाला एक गृहस्थी इन सभी को यदि तप करने का व्रत करने का बल कहीं से मिलता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो शिव और शक्ति से, भगवान शंकर और पार्वती से प्राप्त होता है। आज कथा का दूसरा दिवस है। हम किसी भी कार्य को करें, शिव महापुराण की कथा कहती है हम जिस कार्य को करना चाहते हैं, जिस कार्य को हम करें, प्रत्येक कार्य, जीवन का कोई सा भी कार्य हो जिसको हम कर रहे हैं, अगर वो भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर भगवान शिव को उस कार्य का पूर्ण फल भगवान देवाधिदेव महादेव को देकर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो शिव कथा कहती है ये निश्चित है कि उसका फल हमारे खाते में ही आता है।